नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धनवंतरी के YouTube पोर्टल पर। और मैं हूँ रोहित वैद्यवान, आप हैं हैशटैग बच्चा पार्टी, कुल मिलाकर हमें सब धनवंतरा। तो यहाँ मैं आज बात करने वाला हूँ आर्मी स्कूल की वैकेंसी के बारे में, जिसकी वैकेंसी है ये 8000, तारीख जिसके लिए है 1 अक्टूबर से फॉर्म है, 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, 21 नवम्बर को होने वाला आपका एग्जाम है। लोगों की और आपकी हैशटैग बच्चा पार्टी कुछ सवाल है कि क्या क्या इसमें आता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो मैं नॉर्मली पहले आपको 3 चीजें बता देता हूँ कि ये जो एग्जाम होगा ये आपका 21 नवंबर और 22 नवंबर को है, जिसके लिए आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह के चलता है, जिसके कुल मिलाकर 137 सेंटर होते हैं इनके, जिनके आर्मी स्कूल्स में आपकी बाद में पोस्टिंग होती है। लेकिन इन 137 स्कूलों में जाने के लिए पहले आपको पास करना पड़ता है इसका रिटन एग्जाम, इंटरव्यू एग्जाम। रिटन एग्जाम होता है 3 लेवल पर, जिसमें PRT, TGT और PGT शामिल है। PRT का जो एग्जाम होता है वो सिर्फ 90 मार्क्स का होता है, जिसमें आप जनरल अवेयरनेस मिलते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मिलता है, साथ साथ में मेंटल एबिलिटी मिलता है, और कुछ सवाल इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब टीचिंग से जुड़े भी होते हैं। साथ साथ अगर आप इसकी TGT लेवल पर जाते हैं तो TGT लेवल पर इसमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसके आपके लिए 90 क्वेश्चंस आते हैं। सेम प्रोसेस होता है आपका PGT के लिए, जिसके साथ 90 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन दोनों के साथ 90 का जनरल पेपर भी जुड़ा होता है। अब यहाँ बात आ जाती है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो तीनों पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में 50% मतलब 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ ये कि इसके लिए सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है, मतलब अगर आपका सीटेट क्वालिफाइड नहीं है तो भी जाकर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिमांड कर सकती है कभी भी सीटेट का, तो इसमें एक आपको रियायत दी जाती है कि आप कभी भी उस एग्जाम को पास करके इसके साथ एड ऑन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आ जाता है कि वैकेंसी को लेके हमेशा कुछ लोग बोल देते हैं कि ये फ्रॉड होती है या फेक होती है। तो मैं पहले बता दूं इस बात को, देखिए वैकेंसी कोई भी फ्रॉड और फेक नहीं होती। और ये कह देना कि इसमें सिलेक्शन सिर्फ आर्मी के लोगों का ही होता है या उनके उनकी जो वाइफ है या उनके जो रिलेटिव है उनका ही होता है, तो आप इस चीज को दरकिनार कर दीजिएगा। क्योंकि आज तक जो भी लोग इसका पेपर देने जाते हैं, तो जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उस एग्जाम का आपको एक कार्ड दिया जाता है, जो कार्ड वैलिड होता है 3 साल के लिए। तो इसका मतलब कुछ लोग उन 3 साल के कार्ड के अंदर छोड़ के चले जाते हैं, या न्यूज जो आती है नोटिफिकेशन पेपर में आता है उस पर ध्यान नहीं देते। तो आप इस बात को समझिएगा कि चीजें फेक नहीं है, बस प्रोसेस क्या होता है स्लो होता है, लेकिन आपको 3 साल के लिए इसका वैलिड कार्ड दिया जाता है। और अगर सारी बात को दरकिनार कर भी दिया जाए तो मैं बोलूंगा आपसे लोगों से एक बात की, देखिए एक एग्जाम आता है टीचिंग से रिलेट करता हुआ, उसमें कैसा पैटर्न होता है, आप उस एग्जाम को दीजिएगा ताकि आप आगे आने वाले और एग्जाम को भी जान पाएंगे किस तरीके के एग्जाम होते हैं। तो आप ये ना सोच के चले कि सिलेक्शन है, ये आप ये सोचिएगा कि आपको पार्टिसिपेट करना है और आप आने वाले एग्जाम की बेहतर तैयारी पे किस लेवल पर आज तक जुड़े हुए हैं। तो ये बात छोड़ते हुए कि क्या इसका रिजल्ट होगा, आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो ये था आर्मी के स्कूल की तरफ से, मेरी तरफ से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो बने रहिएगा धनवंतरी के साथ, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।